आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 4 मार्च 2022 से 8 मार्च 2022 तक कोरबा शहर स्थित CACB फुटबॉल ग्राउंड पूर्व में आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन कुल 4 मैच खेले गए। पहला मैच सुबह 8 बजे से महिला बाल विकास विभाग वर्सेस नगर पालिका निगम कोरबा की स्वच्छता दीदियों की टीम से खेला गया। दूसरा मुकाबला सुबह 11 बजे प्रेस क्लब वर्सेस DSPM कोरबा पूर्व के मध्य खेला गया। तीसरा मैच शाम 4 बजे पुलिस विभाग वर्सेस कोरबा जिला ओलंपिक एसोसिएशन के बीच हुआ। पहले दिन का अंतिम मैच शाम 6 बजे बालको वर्सेस स्वास्थ्य विभाग के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में विजेताएं, उपविजेताएं एवं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया। महिलाएं यहाँ बहुत ही उत्साहित दिख रही हैं खेलने के लिए। एक जोश, जज्बा और एक खुशी भी उनके चेहरे पे दिख रही है। बस यही इस कार्यक्रम के आयोजन का जो है मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं का जो जीवन होता है इतना कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और अपने लिए जो समय निकालना बहुत मुश्किल हो पाता है। ये 4 दिवसीय आयोजन के माध्यम से हमारे बीच विभिन्न विभाग की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो सिविल डिपार्टमेंट की जो महिलाएं हैं, यहाँ शहर की महिलाएं हैं, खेल एसोसिएशंस की जो महिलाएं हैं जिन्हें खेलने का मौका मिल रहा है, वो सभी खेल लेंगे। वो सभी शासन प्रशासन के साथ एक टीम के रूप में एक खेल भावना के साथ खेलेंगी, अपना एक समय अपने लिए एक समय निकालेंगी, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को वो देखेंगी, समझेंगी। 2 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो आप सभी दीदी बहनों को मेरी ओर से महिला दिवस की अग्रिम बधाई। आज महिला दिवस की बात हो रही है तो 2 शब्द में भी इस पर कहना चाहूँगी कि पहले जब बात बराबरी की होती थी तब महिलाओं के लिए एक अलग लाइन खींच दी जाती थी और हमारे जिले के एक निश्चित सीमा रेखा तय कर दी जाती थी, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है। देश के संविधान ने आज हम महिलाओं को सभी क्षेत्र में बराबरी का हक प्रदान किया है, जिसके परिणाम से आज हमारी बहने भी पुरुष के बराबर होकर अपने प्रतिभा के दम पर अपने लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आने वाले 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाई जाती है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और इस कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।